हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इजी डेरिवेशन में। गाइस, यदि आप एक यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये गाइस वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि गाइस मैंने आप इस वीडियो में बताया कि यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का जो फाउंडेशन कम्युनिकेशन का पेपर है वो किस टाइप का आता है। तो गाइस ये पेपर काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा, और यदि आप गाइस हमारे चैनल पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो स्टार्ट करते हैं गाइस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। हेलो फ्रेंड, तो आज हम आपको दिखाएंगे कि यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का गाइस 2018 का जो फाउंडेशनल कम्युनिकेशन का जो पेपर है वो गाइस किस टाइप का आया है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि फाउंडेशनल कम्युनिकेशन का जो गाइस इंग्लिश का पेपर है वो कैसा आया गाइस हमारा। गाइस ये जो पेपर होता है गाइस हमारा, वो 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होता है गाइस। और इसमें गाइस फर्स्ट क्वेश्चन में जो दिए हैं हमारे, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, आर्टिकल भरने को दिए हैं गाइस। और जो सेकंड क्वेश्चन है गाइस हमारा, ये पहले क्वेश्चन में गाइस हमें फिल इन द ब्लैंक्स विद सोशल आर्टिकल, इसमें गाइस दो क्वेश्चन है दोनों करने गाइस। और दूसरे क्वेश्चन में गाइस हमें फिल इन द ब्लैंक्स विद सुचेबल वर्ब चूजिंग फ्रॉम द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स अगेंस्ट ईच सेंटेंस, जिसमें गाइस हमें फिल इन द ब्लैंक्स में हैज या हैव, आर या इज, इसमें गाइस एक चूज करके हमें फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट करनी है। और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस आपको, मैं अब इसका नेक्स्ट पार्ट दिखा रहा हूँ गाइस आपको। चलते हैं गाइस आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर गाइस। ये हमारा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे गाइस के जो हमारे गाइस दूसरे का वो वी है वो इस टाइप से आया है कि आप देख पा रहे होंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स विद सुचेबल फ्रॉम दी ऑफ दी वर्ब गिवन नेक्स्ट ईच द सेंटेंस। तो इसमें दे इस रिप्लेक्स हेयर सेंस, इसमें लिख दे रखिएगा 1988, इसमें क्या भरना है। तो जो इसका दूसरा सेंटेंस है, आई फील द कस्टमर वाई दी शॉपकीपर, इसमें इसकी कौन सी गाइस आपको फॉर्म भरने करेक्ट करने आपको चूज करके भरनी पड़ेगी गाइस। इसी प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन है गाइस, इसमें दे रखा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू द इनडायरेक्ट स्पीच। तो गाइस इसमें तीसरे क्वेश्चन में दो हमें सेंटेंस दे रखे हैं जिस इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है हमें गाइस। तो गाइस ये एक नंबर का होता है गाइस, ये आपको एक सेंटेंस करने पर एक नंबर मिलता है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरे का भी है जो गाइस ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्ट अगेंस्ट ईच अदर सेंटेंस। इसमें भी गाइस आपको पैसिव वॉइस करना है फर्स्ट का, सेकेंड का गाइस आपको सिंटेक्स से क्वेश्चन दे दिया, इसमें रिमूव टू गाइस आपको यूज करना है, इसमें इसमें गाइस टू को हटाना है और टू को ही रिमूव करना है। कंबाइन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द सेंटेंस एज डायरेक्टेड अगेंस्ट ईच, इसमें गाइस हमारे जो सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है पहला और सेकंड है वो गाइस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। चलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये चौथा क्वेश्चन है गाइस हमारा, आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। और इसमें यूज एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेज इन योर ओन सेंटेंस एज टू ब्रिंग आउट द मेयर देयर मीनिंग। तो गाइस इसमें आपसे फोर वर्ड दिए हैं, उसके टू के इडियम्स पूछ रहा है गाइस आपको, एक वर्ड का एक नंबर रखा गया है इसमें। इसमें जो चौथा क्वेश्चन है हमारा दो नंबर का है। तो गाइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस अपने। तो गाइस इंग्लिश का जो पेपर होता है फाउंडेशन कम्युनिकेशन का गाइस, वो आपको उसमें ज़्यादा आता है लिखने को, तो और समय हम देखा जाए तो गाइस बहुत कम होता है, 2 आवर्स और 30 मिनट्स होते हैं गाइस हमारे करने के लिए। और उसमें हिंदी भी दे रखी है गाइस आपको। तो चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप गाइस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। राइट सोनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, इसके सोनोनिम्स पूछ रहा है और दो के सोनोनिम्स पूछ रहा है गाइस।
स्काई गाइस हमारा सेकंड है, फाइव का भी है राइट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। सी है गाइस इसका यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर अवन सेंटेंस सो एज टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन द मीनिंग। इसी प्रकार इसका गाइस हमारा डी दे दिया क्वेश्चन, गिव वन वर्ड फॉर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। समानार्थी शब्द दे रखेगा, एक शब्द के लिए वाक्यांश देना है गाइस इसमें डी में। और क्वेश्चन नंबर हमारा गाइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारा वो है 6, जिसमें आपको पंचुलेट करने के लिए बोल रहा है। और क्वेश्चन नंबर गाइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 7 क्वेश्चन नंबर है वो गाइस इसमें दे रखा है कि व्हाट डू द फॉलोइंग स्टैंड फॉर अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें गाइस आपको दो की आपको फुल फॉर्म लिखनी है गाइस। और गाइस आप क्वेश्चन नंबर 8 देख पा रहे होंगे गाइस, जिसमें राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 250 वर्ड, जिसमें गाइस आपका 250 यानी गाइस इस पे एक वर्ड एक पे ऐसे लिखना है गाइस आपको, जिसमें इसके अंक गाइस आपको देखा पास नंबर का है गाइस आपको। तो चलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। अब गाइस हमारा इसमें सेक्शन बी आ गया है और आप देख पा रहे हैं सेकंड सेक्शन बी से पहले गाइस इसमें एक क्वेश्चन और दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में गाइस आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक लेटर बोल रहा है लिखने के लिए, राइट ए लेटर टू देश सुपर इसमें गाइस दे रखा है ऑफ द पुलिस और कंप्लेन ऑफ द इंक्रीजिंग इसमें दे रखा है। और इसमें अथवा भी कुछ अथवा में भी कुछ गाइस आपको दे रखा है राइट ए लेटर टू योर एम्प्लॉयर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर ए वीक एज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि जो सेकंड है वो गाइस अपने मालिक से गाइस वन वीक की छुट्टी के लिए आपको लेटर लिखना है। बहुत इजी है गाइस देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो चलते हैं गाइस अपने सेकंड पर, सेकंड वीक कम्युनिकेशन इन हिंदी। तो क्वेश्चन नंबर आप गाइस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 जो निम्नलिखित के उदाहरण परिभाषित लिखिए, तो गाइस आपको देखना है इसमें हमारा दे रखा है गुणवाचक विश्लेषण और वृद्धि संधि तत्पुरुष समास भ्रांतिमान अलंकार श्रृंगार रस गाइस इनका आपको उदाहरण सहित गाइस इसमें एग्जांपल्स इसको डेफिनेशन में डिफाइन करना है। और गाइस आप देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है वो निम्नलिखित के पर्यायवाची लिखिए, हाथ और तालाब के गाइस आपको पर्यायवाची शायद पता होंगे। तो गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए, अग्रज अल्पायु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, निम्नलिखित शब्दों समूह के लिए एक शब्द लिखिए जिसकी अत्यधिक चर्चा हुई हो, मोच की इच्छा रखने वाला है मोक्षार्थी। हाँ करेक्ट। तो चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है हमारा, निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करके उनके अर्थ में अंतर लिखिए, चलन वृत्ति। कर शब्द को किन्हीं दो भिन्न अर्थों में प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। हाँ करेक्ट। तो गाइस आप क्वेश्चन नंबर जो 12 है हमारा स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें लगभग गाइस हमारा 13 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप देख पा रहे हैं गाइस इसका क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो मुहावरे प्रतिलोकोक्ति अर्थ समझाकर वाक्य में प्रयोग, इसमें दे रखा है गाइस हमारा, यानी कि इसमें गाइस 4 दे रखे हैं, इसमें 2 के मुहावरे या जो भी लोकोक्तियां है गाइस इसमें 2 पर आपको लिखना है करना है, खग जाने खग की भाषा। हाँ? 9 2 नावों पर पैर रखना है, 99 के फेरे में पढ़ना इजीली है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर हमारे गाइस देखते हैं 13 है, भारत में प्रजातंत्र की सफलता के लिए मतदान की महत्व पर प्रकाश डालते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। अथवा भी दे रखा है गाइस अपने
किसी पुराने ग्राहक से उनके द्वारा क्रय किए गए माल का भुगतान प्राप्त नहीं हुए होने पर उससे भुगतान करने का अनुरोध करते उसको एक पत्र लिखिए। हाँ तो इसलिए गाइस, तो इसी के गाइस, यदि आप यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह की वीडियो गाइस मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ और आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सब पे वीडियो आती रहती हैं। तो गाइस मिलते हैं गाइस आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ गाइस शेयर कर दें, क्योंकि ये पेपर गाइस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आपको पैटर्न पता चलता है गाइस कि किस टाइप से जो पैटर्न है हमारा, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है गाइस पेपर से। तो पेपर को गाइस बिल्कुल मिस ना करें। और आप जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए गाइस वो आप मुझे कमेंट कर दो, तो मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा सकूँ। तो मिलते हैं गाइस आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।